हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखिएगा बेटा, हम एनटीए नीट पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए नीट पेपर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बेटा वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ में एक्सप्लेन करूँगा। इससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, उसका कॉन्सेप्ट और एक रिविजन करने का बेटर विकल्प मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखें। तो देखिएगा, इसका पहला जो क्वेश्चन है, CA3BR KCNA रिडक्शन, ये बना IUPAC नेम ओपे, इसका IUPAC नेम बताओ। तो देखिएगा सर, आपने लिया है CH3BR और इसका रिएक्शन किया है पोटेशियम साइनाइड, तो यहाँ पर CN माइनस है। ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए SN2 होगा, BR रिप्लेस हो जाएगा CH3CN के साथ, ये A बन जाएगा। और जब इसका रिडक्शन करेंगे तो अमाइन बनेगा। अब बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो 1, 2, 2 कार्बन का चेन है, तो 2 कार्बन के चेन के लिए इथेन, और CN के लिए क्या लगेगा बेटा, नाइट्राइल, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, मिथाइल आइसोनाइट्राइल रॉन्ग, एसीटोनाइट्राइल रॉन्ग, इथेन नाइट्राइल राइट। अब आता है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड गिवन है, इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो जरा देखो, आपको जो ये कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ओनली बॉन्ड है, तो हम ऐसी कंडीशन पर केवल बॉन्ड वाली चेन लेंगे। तो बॉन्ड वाली चेन में देखो, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड का चेन में आना कंपलसरी है। तो आपको पता है चेन ये वाली हो जाएगी, और नंबरिंग इधर से नहीं, इधर से करेंगे बेटा, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया। अब आप देखो 7 पर कौन है, इथाइल, तो इसका IUPAC नेम में सबसे पहले अल्फाबेट पे अपन 7 इथाइल लिखेंगे, जो कि लोकेट और प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद देखो 2 पर भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, 6 पर भी मिथाइल है, 2, 4, 5, 6 4 टाइम है, तो 4 टाइम के लिए टेट्रा, और CA3 है, तो उसके लिए क्या लगेगा, मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 10, तो 10 कार्बन के लिए क्या लगेगा, डेक। डबल बॉन्ड है 2 पर 8 पर, और 2 टाइम, इसलिए डेका कितने पर है, 2, 8, डाई, इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो अब आप देखो किसका IUPAC नेम राइट कौन सा है, पहला 7 इथाइल 7 इथाइल, 2, 4, 5, 6 2, 4, 5, 6, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, डेका, और सॉरी ये आपका डबल बॉन्ड 1 पर है बेटा, मैंने 2 गलत लिख दिया, 1, 8, डाइन है, और आप देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1, 8, डाइन, तो बताओ इसका कौन सा IUPAC नेम है सर, फर्स्ट इसका IUPAC नेम राइट है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 2 और 7 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इन क्लेमेंसन रिडक्शन द कैटालिस्ट यूज। क्लेमेंसन रिडक्शन की बात हो रही है, तो देखो बेटा ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिडक्शन किया जाता है और ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये CH2 ग्रुप है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप का मिथाइलिन में रिडक्शन होता है, और ये एल्केन फॉर्मेशन का मेथड है। अब इसके लिए हम जनरली 2 टाइप के रिएजेंट यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl, और एक हम यूज करते हैं बेटा हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ध्यान दें, जब हम जिंक अमलगम यूज करेंगे तो इसको तो बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या बोलते हैं बेटा इसको तो हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और बेटा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उल्फ किसनर, तो ये उल्फ किसनर है और ये क्लेमेंसन है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये रिएक्शन आपके एसिडिक मीडियम में हो रही है, इसलिए अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन पर ये रिएक्शन यूज नहीं होगी। यहाँ पर बेस है, इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर कोई बेस सेंसिटिव अगर ग्रुप होगा तो फिर यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। एसिड सेंसिटिव ग्रुप से मतलब जैसे OH हुआ, तो आपको पता है OH HCl की प्रेजेंस में NSR रिएक्शन करता है, इसलिए अगर एल्कोहल होगा तो वहाँ हम क्लेमेंसन रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे। बेस सेंसिटिव ग्रुप में बात करूँ तो मैं X है, NR3 प्लस है, ये सब आपको पता है बेटा बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन करते हैं, तो इन सब की प्रेजेंस में भी हम क्या नहीं करते,
आपका उल्फ किस्नर को यूज नहीं करते। तो उसने पूछा था क्लेमेंसन का रिएजेंट कौन सा है, तो बेटा क्लेमेंसन का रिएजेंट है जिंक अमलगम और कंसेंट्रेट HCl। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। द फंक्शनल ग्रुप विच इज फॉर्मेड वैन फिनोल इज मेड टू रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, अर्थात ये क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है। तो सुनो, यह है बेटा फिनोल। अब इस फिनोल की रिएक्शन करेंगे हम HCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और एक बार इसका रिएक्शन करो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH। आप जब क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करते हो तो इंट्रोड्यूस ग्रुप CHO होता है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ करते हो तो एसिड होता है। यहाँ पर CHO होने की वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉर्माइलेशन, फॉर्मिल ग्रुप, और यहाँ पर COOH होने की वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा कार्बोक्सीलेशन। तो बताओ यहाँ तो क्या बनेगा, OH के साथ में यहाँ CHO आ जाएगा, और यहाँ पर OH के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। इसको तो बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, और इसको क्या बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं बेटा। तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है और ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। अब ध्यान दें, उसने पूछा था और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना बेटा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर टीमान रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइमर टीमान। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को हम जब बेस के साथ करते हैं तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और इंटरमीडिएट कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट होता है बेटा वो कार्बिन है, और यही कार्बिन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल फॉर COOH ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, CH2Cl रॉन्ग, COOH रॉन्ग, CH2Cl2 रॉन्ग, COOH राइट। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द कंपाउंड फॉर्मिड वैन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। कहने का मतलब है इथाइल ब्रोमाइड आपको गिवन है, और इथाइल ब्रोमाइड को आपको हीट करना है किसके साथ, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ, और वो भी ड्राई में। तो बेटा ये अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, अर्थात एक प्रकार से ऑक्सीडेशन की तरह काम करता है। तो यहाँ हम इसके 2 मोल लेंगे, ये अपना ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कराएगा, तो CCOCC अर्थात आपके ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो देखो अगर इसी की रिएक्शन हम Ag2O के साथ कराएं बट वेट है ड्राई नहीं है, अर्थात Ag2 अगर वेट है वाटर है, तो ऐसी कंडीशन पे दोनों रिएक्शन करके AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड में आपका OH माइनस जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से NSR होगा, तो ऐसी कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और उसके वाया अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ईथर का नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो द कंपाउंड फॉर्मिड वैन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेटेड विद ड्राई, तो ड्राई के केस में इथर बनेगा, डाई मिथाइल रॉन्ग, डाई इथाइल इथर राइट, अल्कोहल तब होता जब ये ड्राई नहीं वेट फॉर्म में होता। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ टोलून नाइट्रोबेंजीन आर, अर्थात आपको यहाँ पर टोलून का डाइपोल मोमेंट गिवन है, ये टोलून है, और आपको पता है यहाँ पर इसका प्लस आई है, इसलिए इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट की है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसका डाइपोल मोमेंट है 0.3 Da/2। सेकेंड है सर नाइट्रोबेंजीन, तो ये मैंने नाइट्रोबेंजीन बनाया, नाइट्रोबेंजीन में इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट है 393 Da। अब वो कह रहा है कि आप इसको देखते हुए आपको डाइपोल मोमेंट बताना है पैरा नाइट्रो टोलुइन का। तो देखो बेटा ये तो हो गया टोलुइन और ये हो गया पैरा नाइट्रो। अब आप देखो इसका कौन सा इफेक्ट बताया मैंने, प्लस आई, इसकी टेंडेंसी देनी है लेने की, देने की। ये नाइट्रो इसका माइनस आई है, इसकी टेंडेंसी लेने की। तो बताओ नेट डायरेक्शन सिंगल है या मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अब बताओ अगर सेम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आ रहा है तो डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो बताओ एक डाइपोल मोमेंट तो कितना था 0.3 और एक था 3.93, इनको ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 4.3 Da/2।
तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4.3 डे बाई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 15 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैथेनोइक एसिड इज हीटेटेड विद कंसर्टेड H2SO4 फॉर्म। तो आपको मैथेनोइक एसिड गिवन है, HC OH फॉर्मिक एसिड, मैथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन करना है कंसर्टेड H2SO4 के साथ। आपको बताया कंसर्ट टू H2SO4 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिहाइड्रेशन प्रोसेस, और ये बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन होगा, और अगर डिहाइड्रेशन होगा तो H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। अब आप बताओ मैथेनोइक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, CO, और CO का मतलब क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताओ मैथेनोइक एसिड को हीट करने पर किसके साथ, कंसर्टेड H2SO4 के साथ, बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका कौन सा आंसर सही है बेटा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लूकोज वेन ट्रीट विद कंसर्टेड HNO3 गिव, अर्थात ग्लूकोज का आपको ऑक्सीडेशन करना है। तो मैं तो पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। अब आप देखो यहाँ पर ये चार हैं, तो ये तो सब आपके क्या बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल है, और लास्ट वाला आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। अब आप देखो अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ करते हैं बेटा, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो जो ब्रोमीन वाटर है उसके अंदर केवल एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और बीच वाला जो आपका 1 डिग्री है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा 2 डिग्री में, और 1 डिग्री में भी कोई चेंज नहीं होगा, और इसको बोला जाता है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोनिक एसिड का। बट इसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करूँगा मैं कंसर्टेड HNO3 के साथ, और कंसर्टेड HNO3 जो होता है वो एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट करता है, बट ये 1 डिग्री एल्कोहल को भी एसिड बना देता है। तो यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो COH, CHOH4 और COOH ये बन जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सैकेरिक एसिड, आपका ये सैकेरिक एसिड है। और अगर हम ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो भी सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बताओ हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि ग्लूकोज वेन ट्रीट विद कंसर्टेड HNO3, तो बताओ कंसर्टेड HNO3 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, सैकेरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। ग्लूकोनिक एसिड तो ब्रोमीन वाटर के साथ होता तो ब्रोमीन वाटर वाला भी ग्लूकोनिक एसिड भी रॉन्ग है, और सोर्बिटोल भी रॉन्ग है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 21, C5H10O इज ए कार्बोनिल कंपाउंड, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस मोलिकुलर फॉर्मूला। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इन्होंने C5H10O मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, ये भी बोला है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब आपको पता है अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसके अंदर या तो एल्डिहाइड और या कीटोन 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब आपको इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने, तो सबसे पहले मैं एल्डिहाइड के स्ट्रक्चरल बनाता हूँ, तो 1, 2, 3, 4 और CHO। अब देखो एल्डिहाइड में तो एक कार्बन फिक्स है, इसके बाद में आपके पास जो चेन है उसमें कितने कार्बन बचे हैं, 4 कार्बन का चेन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 कार्बन चेन के कितने, तो 4 कार्बन चेन के टोटल 4 रेडिकल्स पॉसिबल हैं, और अगर इसके टोटल 4 रेडिकल पॉसिबल है तो इसके टोटल 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, तो इसके 4 रेडिकल्स में से पहला जो रेडिकल्स है वो तो एन का हमने बना दिया, अब सेकेंड रेडिकल आएगा बेटा सेकेंडरी। तो आप जरा देखो ये आपके 4 कार्बन चेन का, ये कार्बन 2 डिग्री है तो ये इसका सेकेंडरी पोर्शन हो गया। ऐसे ही अब इसका मैं थर्ड आइसोमर्स बनाना चाहता हूँ, तो थर्ड आइसोमर्स में क्या करेंगे, एन के 2 हो गए, अब आइसो के बनाएंगे, तो आइसो के भी 2 होते हैं, तो जरा देखो आप ये आइसो हो गया ब्यूटेन, और इस पर यहाँ पर हम क्या करेंगे फंक्शन ग्रुप को रख देंगे, तो बताओ ये कौन सी फॉर्म का हो गया, आइसो का। अब हम यहाँ से करेंगे नंबर 4,
अब नंबर फोर में आईएसओ के अंदर हम यहाँ से क्या करेंगे, डिग्री चेंज कर देंगे। अब आप जरा देखो ये कौन सी डिग्री में हो गया, टर्शियरी में हो गया। तो इसका मतलब ब्यूटेन के टोटल फोर रेडिकल होते हैं, एन, सेकेंडरी, आईसो और टर्शियरी। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के टोटल फोर आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कीटोन। अब आप देखो कीटोन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कीटोन को लास्ट एंड टर्मिनल पे रखेंगे। ये लास्ट टर्मिनल पे रख दिया, ये आपका नंबर फाइव हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, थ्री कार्बन। और आपको पता है थ्री कार्बन के बेटा टू रेडिकल्स पॉसिबल होते हैं, एक एन की फॉर्म में और एक आइसो की फॉर्म में। तो ये भी एन की फॉर्म में है, अब मैं इसका आइसो फॉर्म भी ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये आइसो हो गया, तो ये नंबर सिक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा, अभी हमने यहाँ तीन कार्बन रखे, एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर देंगे, सी 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 डबल बॉन्ड सी सी। अब बताओ कितने कार्बन का चेन हो गया, टू। और आपको पता है टू कार्बन चेन का कोई रेडिकल पॉसिबल नहीं होता। अब हम नेक्स्ट में अगर एक कार्बन को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर थ्री हो जाएंगे, इधर वन हो जाएंगे, सेम इसी के सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब वो आपका सेम हो गया। तो इसका मतलब कीटोन के कितने आइसोमर्स हो गए, थ्री। एल्डिहाइड के कितने हो गए, फोर। तो बताओ टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा बेटा, सेवन आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, डी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 21 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस क्लोरीन विल एक्ट एज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। आपको ये हैलाइड गिवन है आरएक्स, जिसमें एक्स आपका लिविंग ग्रुप है। इसकी रिएक्शन जब हम न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं तो एनएसआर होता है। ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करके आर एन यू बन जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप है। तो देखो अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होते तो हम अकॉर्डिंग टू नेचर इनकी बात करते, बट यहाँ पर लिविंग ग्रुप एक ही है, बट इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ वो डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन पे आपको पता है कि जब आपका ये लिविंग ग्रुप आर एक्स में से लिविंग ग्रुप पड़ता है तो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान रखना, अगर आपका बनने वाला इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल कैटायन है तो बताओ क्या होगा, मोर फॉर्मिड होगा या लेस फॉर्मिड होगा, मोर फॉर्मिड होगा। अगर ये मोर फॉर्मिड होगा तो इसका मतलब होगा ईजिली रिमूव ऑफ लिविंग ग्रुप। ऐसी कंडीशन पे आपका लिविंग ग्रुप ईजिली रिमूव होगा, और ऐसे लिविंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो आप ज़रा देख के बताओ कि इसमें कौन सा है। तो हमें पता है कि कार्ब कैटायन बनता है तो कार्ब कैटायन में कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3:1 होता है, अर्थात 3 डिग्री कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे मोर होती है। अगर इसकी स्टेबिलिटी सबसे मोर है तो ये ईजिली फॉर्मिड होगा, और अगर ये ईजिली फॉर्मिड होगा तो इस पर जो क्लोरीन होगा वो क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो आप जरा देखो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ से जो कैटायन बन रहा है वो मिथाइल कैटायन है, सेकंड में आपके पास जो कैटायन बन रहा है वो इथाइल कैटायन है जो 1 डिग्री है, और आपके पास जो सी ऑप्शन है उसमें जो कैटायन बन रहा है वो 2 डिग्री है, और लास्ट वाले में आपके पास जो कैटायन बन रहा है वो 3 डिग्री है। अब आप देखो 3 डिग्री वाला जो कैटायन है ये क्या है, हाईली स्टेबल है। अगर ये हाईली स्टेबल है तो क्या होगा बेटा, ईजिली फॉर्मिड होगा। अगर ये ईजिली फॉर्मिड होगा तो मोर फॉर्मेशन होगा, और अगर मोर फॉर्मेशन होगा तो ईजिली रिमूव ऑफ लिविंग ग्रुप, यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो बताओ इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बेटर लिविंग ग्रुप है, तो उसका आंसर है बेटा डी। अगर हम इनको लिव एबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, सबके लास्ट में ए, क्योंकि डी में बनने वाला कैटायन 3 डिग्री, सी में बनने वाला कैटायन 2 डिग्री, बी में बनने वाला कैटायन 1 डिग्री, और ए में बनने वाला कैटायन मिथाइल है, इसलिए डी सबसे पहले होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मेथेनॉल टू गिव, अर्थात गिरगन्या रिएजेंट का रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए बेटा आर एम जी एक्स गिरगन्या रिएजेंट अगर कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन अर्थात एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसी कंडीशन पर हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्यों?
क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट में आपका जो आर है वो आर माइनस है, जो कि बैटर बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, और आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन में एच है, ये बेस है, तो ए इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, तो एक्टिव हाइड्रोजन में अगर हम बात करें तो अल्कोहल है, वाटर है, फिनोल है, एसिड है, इसके अलावा अगर बात करें तो अमोनिया है, 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, एल्काइन है, ये सब, इन सब की प्रेजेंस में एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन यह है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन करना है मेथेनॉल के साथ, मेथेनॉल एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, तो ये यहाँ से अपना हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा, इसको अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, तो बताओ हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो ये तो बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और Mg के साथ में Br और CH3 आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन प्लस ये, तो बताओ कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट ए मिक्सर ऑफ पेनिसोल रॉन्ग, ए मिक्सर ऑफ बेंजीन और ये राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा बी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट है, आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इंक्रीज इन ब्रांचिंग, तो इसका मतलब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिकुलर वेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग होता है बेटा। और अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ऐसा क्यों? क्योंकि इस वजह से वैन डर वाल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी पर। किस पे डिपेंड करता है? क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी, या अगर बात करें तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो आप देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज विद नंबर ऑफ कार्बन, बिल्कुल राइट, क्योंकि आपको बताया कि जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होंगे, तो ये तो आपका राइट है। एंड इंक्रीज इन ब्रांचिंग, बिल्कुल, ब्रांच इंक्रीज होने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट डिक्रीज इन ब्रांचिंग, बिल्कुल राइट, क्योंकि जब ब्रांचिंग डिक्रीज होगी तो आपको पता क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया घटता है, अगर ब्रांचिंग डिक्रीज होगी तो फिर सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो इसी कंडीशन पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका राइट है। स्टेटमेंट नंबर 3, साइक्लो एल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल एल्केन्स विद सेम मोलिकुलर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, आपको पता है अगर बेटा कार्बन सेम होंगे तो मोलिकुलर वेट भी सेम होगा, तो ऐसी कंडीशन पर उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेट सेम होता है। नेक्स्ट नंबर 4, एल्किन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्किन्स, आपको पता है बेटा कि अगर मैं पोलेरिटी की बात करूं तो पोलेरिटी में डबल बॉन्ड की पोलेरिटी सिंगल बॉन्ड से मोर होती है, इसलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें तो डबल बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट सिंगल बॉन्ड से हमेशा मोर होगा, और अगर हाइड्रोकार्बन्स में मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड का है, फिर डबल बॉन्ड का है, और सबसे लास्ट में सिंगल बॉन्ड का होता है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 42 है, तो बताओ इसका अब आंसर क्या होगा,
तो हमने पूछा था कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो बेटा इसमें फर्स्ट और सेकंड तो स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ आपका रॉन्ग है। तो बताओ आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, आपका फर्स्ट आंसर राइट हो गया। इसी के साथ आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ NTA नीट पेपर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।